मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। ट्विटर इंडिया के प्रमुख ने अदालत से कहा, यूपी पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हूं अगर गिरफ्तार ना किए जाने की गारंटी दी जाए। कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने पर थावर चंद्र गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति और पीएम मोदी का जताया आभार। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है। सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा खैला होबे दिवस। चिराग पासवान की चेतावनी, पशुपति पारस एलजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्री बने तो जाएंगे कोर्ट। अफगानिस्तान में बिगड़ी सुरक्षा स्थिति, अपने नागरिकों को वापस ला सकता है भारत। और आईसीसी की वनडे रैंकिंग में फिर टॉप पर पहुंची मिताली राज, इंग्लैंड के खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन। कोरोना महामारी ने चारों तरफ अपना हाहाकार मचा रखा है और इसी बीच एक अध्ययन सामने आया है जो ये बताता है कि कोरोना महामारी में गरीब महिलाओं ने सबसे अधिक नौकरियां गवाई हैं। कंसल्टिंग फर्म डालबर्ग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के कम आय वाले परिवारों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक नौकरियां गवाई हैं। उन्होंने भोजन के साथ साथ आराम में कटौती की और ऐसे काम अधिक किए जिनका उन्हें वेतन भी नहीं मिला। इस अध्ययन में देश के 10 राज्यों की 15,000 से ज्यादा महिलाओं और 2300 पुरुषों को शामिल किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि पिछले साल कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद उन्हें वापस नौकरियां पाने में ज्यादा समय लगा। महामारी के पहले जहां 24% महिलाएं काम करती थीं, वहीं 28% ऐसी थीं जिन्हें अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। इनके अलावा 43 ऐसी थीं जिन्हें काम का वेतन नहीं मिला, वहीं ऐसे पुरुषों की संख्या भी 43% थी। ये रिपोर्ट पिछले साल मार्च से अक्टूबर तक के बीच की है। इसमें बताया गया है कि 10 में से एक महिला ने भोजन उपलब्धता कम होने के चलते खाना भी कम खाया। वहीं 16% महिलाओं को सैनिटरी पैड भी नहीं मिल पाया। 33% महिलाओं ने बताया कि उन्हें गर्भ निरोधक गोलियां भी नहीं मिल सकी। भारत ने पिछले कुछ महीनों में कोविड की दूसरी और ज्यादा विनाशकारी लहर का सामना किया है, जिसके चलते उसने दुनिया में सबसे तेजी से कोविड के प्रकोप को झेला। इसकी वजह से अस्पतालों में मरीज बढ़े और शमशान घाटों में शव। डालबर्ग का अध्ययन दर्शाता है कि भारत में सबसे बुरी तरह से प्रभावित होने के चलते महामारी के दौरान महिलाओं ने कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। डालबर्ग की इस रिपोर्ट की लेखिका श्वेता तोतापल्ली कहती हैं, हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ये पता चलता है कि दूसरी लहर ने उन प्रभावों को बढ़ा दिया है जो हम पहली लहर में देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित पादरी स्टेन स्वामी की 5 जुलाई को मौत हो गई। उन्होंने लंबी बीमारी से जूझते हुए बीते दिन दोपहर 1:30 बजे मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट को स्वामी के निधन की जानकारी दी। आदिवासी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की बेहतर इलाज की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च अदालत ने स्वामी को इलाज के लिए मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले उनका इलाज एक सरकारी अस्पताल में हो रहा था। हालांकि अदालत का यह फैसला तब आया जब जेजे अस्पताल में चल रहे इलाज ने स्वामी को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाना बंद कर दिया। वहीं स्टेन स्वामी की इस खराब हालत के दौरान भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने का विरोध किया गया। स्टेन ने नवंबर 2020 को पहली बार एनआईए की स्पेशल कोर्ट में स्वास्थ्य आधार पर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अदालत को यह बताया गया था कि स्वामी को कई तरह की बीमारियां हैं, उन्हें दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो चुका था और उनकी बाजू में चोट लगी थी। अदालत को स्वामी के 2 बार हुए हर्निया ऑपरेशन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस से पेट में तेज दर्द और पार्किंसन रोग के कारण दोनों हाथों में कपकपी होने के सबूत भी दिए गए थे। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। स्वामी जेजे अस्पताल में इलाज से खुश नहीं थे। आदिवासी जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ने वाले 84 वर्षीय स्टेन स्वामी आखिरी बार 21 मई को तलोजा जेल से अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
और उन्होंने कहा कि वे जे अस्पताल में जाने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। बता दें कि सेन स्वामी को 2017 में पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में हुई जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले साल महामारी के बीच 8 अक्टूबर को NIA ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत गिरफ्तार किया। वे आतंकरोधी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 और कार्यकर्ताओं के परिवारजनों ने स्वामी की मौत को संस्थागत हत्या यानी इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा है। सभी के साझे बयान में कहा गया है कि यह हैरानी की बात है कि स्वामी जैसे इतने बूढ़े और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को जेल में रखा गया। बयान में कहा गया, ये एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं है बल्कि एक अमानवीय राज्य द्वारा की गई एक सभ्य आत्मा की संस्थागत हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि 2050 तक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए सालाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। जून 2021 में सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय से जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की अपील की गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% योगदान करते हैं और कुल वेस्ट का 50% उत्पादन करते हैं। द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2017-18 के डेटा के विश्लेषण का इस्तेमाल कर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर इसे समय रहते ठीक ढंग से नियोजित और प्रबंधित नहीं किया गया तो शहरी उत्सर्जन गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 2050 तक 3 अरब लोगों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाने की उम्मीद है। दुनिया की आधी शहरी जनसंख्या में अफ्रीका और एशिया का बड़ा योगदान हो सकता है। 2017-18 में शहरी जलवायु वित्त में सालाना औसतन $384 बिलियन का निवेश किया गया था। इसमें परियोजना स्तर पर $75 अरब और अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर $308 अरब रहा था। हालांकि ये राशि निवेश की जरूरतों से बहुत कम है जिसका अनुमान खरबों में है। विस्तृत परियोजना स्तरीय डेटा के अभाव की वजह से विशेष रूप से शहरी परिवहन और भवनों जैसे प्रमुख क्षेत्रों का डेटा नहीं होने की वजह से शहरों के लिए निवेश अंतर को बंद करने में भाग लेने वालों की गहरी समझ को सीमित करता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु वित्त डेटा की कमी की वजह से दक्षिण अफ्रीका में जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन कठिन होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी जलवायु वित्त का सबसे बड़ा हिस्सा चीन और विकसित देशों में निवेश किया गया था। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका समेत कई विकासशील क्षेत्रों में शहरी जलवायु वित्त की अपर्याप्त मात्रा में निवेश किया गया था, जिसमें क्रमशः $4 अरब और $3 अरब का वार्षिक औसत निवेश देखा गया था। अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 2017-18 में $7 अरब का फंड था, जो प्रोजेक्ट लेवल पर ट्रैक किए गए निवेश का 9% है, जबकि शमन और दोहरे इस्तेमाल के लिए फंड 91% या $69 अरब था। 2017-18 में शहरी परिवहन में निवेश कुल शहरी जलवायु फाइनेंस का 53% या अनुमानित $202 अरब था। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एफिशिएंसी ने फाइनेंस के दूसरे उच्चतम स्तर को आकर्षित किया, यानी 2017-18 के लिए अनुमानित $167 अरब जो कुल शहरी जलवायु का 43% है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से शहरी वित्तीय दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से भविष्य की प्लानिंग धीमी पड़ गई है, इसलिए शहरों की अपनी जलवायु कार्रवाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसके लिए राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की समर्थन की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, Go News.